Dear friends, good morning. How are you? I hope you are all fit and fine, feeling happy, enjoying your home classes with full satisfaction. प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, नमस्ते. आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश महसूस कर रहे होंगे और अपनी होम क्लासेस का तसल्ली बख्श तरीके से आप उनका लुत्फ उठा रहे हैं. Dear students, our Directorate of School Education Jammu is taking great initiative regarding your education, like Atam Nirbhar Bharat, Swayam Prabha, Diksha, E Pathshala and Manodarpan etc. तो बहुत सारे initiative लिए हुए हैं हमारे Directorate School Education Jammu में, जिसमें Atam Nirbhar Bharat है, Diksha है, E Pathshala है, Manodarpan वगैरह वगैरह, सो दैट योर एजुकेशन में नॉट गेट अफेक्टेड एनी मोर, इसी ताकि आपकी जो पढ़ाई है उस पर कोई असर ना पड़े. डियर स्टूडेंट्स, वी आर हाईली थैंकफुल टू आवर डायरेक्टोरेट फॉर ऑल दीज ग्रेट एफर्ट्स इन आवर डिपार्टमेंट टू मेक इजी एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ यूटी जे एंड के. प्यारे बच्चों, हम अपने जो डायरेक्टोरेट हैं हमारे स्कूल एजुकेशन के, उनके तह दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया हुआ है कि आसानी से हर एक कोने कोने तक जो यूनियन टेरिटरी है हमारी जम्मू कश्मीर की, वहां तक पढ़ाई को पहुंचाया जाए. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ द डे. आओ हम आज के दिन का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं. टूडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक. तो आज हम बहुत ही अहम, दिलचस्प और कारामंद जो हमारा विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे. एज इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न हाउ डू वी कंट्रोल फायर. तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम आग जो है उसको कैसे काबू कर सकते हैं. रिलेटेड टू इट, टूडे वी विल लर्न, वी डिस्कस हाउ डू वी कंट्रोल फायर इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर. तो उसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है आज का, जिसमें हम बात करेंगे कि हम आग को कैसे काबू कर सकते हैं अगर वो किसी बिजली के सामान को आग लगी है या ऐसी जगह आग लग गई है जहां से बिजली चल रही है. डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियोस वी लर्न दैट मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि आमतौर पर जो आग बुझाने का चीज इस्तेमाल होती है आग बुझाने में, वो पानी है. बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. तो लेकिन पानी तभी काम करता है जब चीजें जैसे लकड़ी, कागज, उसको आग लगी हो. डियर स्टूडेंट्स, इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर. तो अगर कोई बिजली का कोई सामान है उसको आग लग गई है, तो पानी जो है वो बिजली पकड़ सकता है और उनको नुकसान कर सकता है जो उस आग को बुझा रहे होते हैं. वाटर इज आल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. तो पानी उस आग में भी उस आग को भी काम नहीं करता है, चाहे वो तेल या पेट्रोल को आग लगी हो तो भी पानी से हम उसको नहीं बुझा सकते. डियर स्टूडेंट्स, डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हाइवियर देन ऑयल. तो आपको ये याद होगा कि पानी जो है वो तेल से भारी होता है. आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी. आप जो तेल है उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो नीचे रह जाता है और तेल उसकी सतह पे तैरता है. तो सो इन दिस वे वी कैन से दैट वाटर इज हाइवियर देन ऑयल. सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. तो इस तरह से पानी जो है वो नीचे चला जाता है और ऊपर जो तेल है वो जलता रहता है. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल. तो इसीलिए अगर हमने आग बुझानी है ऐसी चीजों से को लगी हुई आग, जो बिजली को लगी हो या पेट्रोल वगैरह जो शोलेदार चीजें जिनसे शोला निकलता है, वैसी चीजों को अगर आग लगी है तो हमें आग बुझाने के लिए सबसे अहम चीज जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. प्लीज रिमेम्बर दिस, इसको आप याद करेंगे, इसको आप कीप इट इन योर माइंड.
अपने दिमाग में रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्यूशर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अहम जो कारामद जो आग बुझाने वाली चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर देन ऑक्सीजन, कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से भारी होती है और वो आग को पूरी तरह से ढक लेती है कंबल की तरह। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, तो जो कॉन्टेक्ट है फ्यूल और ऑक्सीजन का वो पूरी तरह से कट जाता है। जो चीज जल रही है और जो उसको जलाने में मदद कर रही है वो उन दोनों चीजों का आपसी संपर्क जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। द फायर इज कंट्रोल्ड, और आग जो है वो काबू में आ जाती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और इसके अलावा इसका फायदा और ये भी है कि ये जो है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिनको आग लगी होती है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विफाइड एज लिक्विड इन सिलेंडर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिलेंडरों में स्टोर की जाती है, लिक्विड शक्ल में होती है, वो पानी की शक्ल में होती है। एज एलपीजी इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, जैसे हमारे घरों में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर करके रखा जाता है। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन, और जैसे ही उसको उस सिलेंडर में से निकाला जाता है तो वो काफी तादाद में निकलती है और क्या करती है कि उस जगह को ठंडा कर देती है जहां उसको डाला जाए। सो इट इज नॉट ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो ये खाली उस आग के इर्द गिर्द एक कवर ही नहीं बनाती है लेकिन वहां जो उसका दर्जा हरारत होता है उसको भी डाउन करती है। That's why it is an excellent fire extinguisher. इसीलिए ये सबसे अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी का आग बुझाने वाली चीज है। Another way to get carbon dioxide is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate near the fire. और एक और तरीका भी है, हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम पाउडर केमिकल्स जो है और जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर पड़ा हो किसी के पास या पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो तो उसको काफी मकदार में अगर आग में डाला जाए तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एंड दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग द फायर। तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आई होप के यू मे अंडरस्टैंड दिस कंटेंट। अगर आप इसको सुनेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ आ जाएगा, और इससे बेहतर आप अपनी जो बुक है डियर स्टूडेंट्स काइंडली रीड पेज नंबर 83 एंड 84 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक टू रीड दिस कंटेंट क्लियरली। और इसको सही पढ़ने के लिए आप अपनी किताब जो है अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक जो है उसका जो सफा नंबर 83 और 84 है उसको आप अच्छी तरह से देखें पढ़ें तो यू में आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, लिव हैप्पी एंड लर्न योर लेसन। ओके, थैंक यू।